नमस्कार, मेरा नाम मनोज पांडे है और मैं बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बीमटेक ग्रेटर नोएडा में इंश्योरेंस का प्राध्यापक हूँ। लाइफ इंश्योरेंस मेरा सब्जेक्ट रहा है। इस लाइन में, एजुकेशन लाइन में आने के पहले मैंने 20 साल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में गुजारे हैं। मार्केटिंग का भी असाइनमेंट रहा है और उस संदर्भ में जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कस्टमर भी पूछते हैं कि हमारा बीमा कितने का होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन बीमा एक कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस कंपनी और इंडिविजुअल पॉलिसी धारक के बीच में, जिसमें कि अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है बीमा चलते हुए स्थिति में, तो इंश्योरेंस कंपनी उतने रुपए की भरपाई करती है, उतना रुपया परिवार को देती है। तो ये रुपया कितना का होना चाहिए, बीमा कितने का होना चाहिए, ये बहुत ही मूल प्रश्न है जिसका कि उत्तर आसान नहीं होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मुद्दा केवल अभी का नहीं है, जब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री एग्जिस्टेंस में आई है तब से ये मूल मुद्दा चल रहा है। 1930s में एक मैथमेटिशियन हुबनर साहब ने एक प्रयास किया जिसे हम लोग आज भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहा गया। वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इसका कि सिंपल मतलब ये होता है, मैं समझाना चाहूँगा। उन्होंने ये कहा कि व्यक्ति का बीमा उस राशि का होना चाहिए जितना वो शायद अपने बाकी जिंदगी में कमा सकता हो। और सिंप्लीफाई करने के लिए बता दूं कि मानिए किसी की, व्यक्ति की उम्र 30 साल है और नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि 60 के आसपास रिटायरमेंट हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति की 30 साल की ऐसी उम्र है जिसमें वो अर्थोपार्जन कर सकता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मान लीजिए कि उसका प्रति माह सैलरी 1,00,000 रुपया है और हम ये भी मान लेते हैं कि उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है अगले कई सालों तक पूरे कॉरपोरेट लाइफ में, तब भी 12,00,000 रुपया सालाना, और 12 को फिर 30 साल से मल्टीप्लाई कीजिए तो 360 लाख, यानी उस व्यक्ति का बीमा कम से कम 3,60,00,000 का होना चाहिए। और ये मैंने बिल्कुल आपको सिंप्लीफाई करके बताया है, लेकिन क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति 3,60,00,000 का बीमा ले? थोड़ा सा मुश्किल सा लगता है, क्योंकि सैलरी की सारे पैसे तो इंश्योरेंस में नहीं देने हैं, कहीं ना कहीं बाकी खर्च के लिए भी पैसे रखने हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट में भी लगाने हैं, लेकिन थियोरिटिकली उसे 3,60,00,000 का बीमा लेना चाहिए। तो फिर प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है? प्रैक्टिकल अप्रोच ये है कि बीमा लेने का पर्पस हमें समझना पड़ेगा। हम बीमा क्यों लेते हैं? हम बीमा इसलिए लेते हैं कि हमारे नहीं रहने की स्थिति में हमारा जो परिवार हमारे पीछे छूट जाता है उसे आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़े। आज के संदर्भ में अगर आप देखें तो किसी परिवार के 2-4 मुख्य खर्चे होते हैं। महीने का खर्चा, घर चलाने का खर्चा तो एक रेगुलर खर्च है, इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐड हो गई हैं। लोन लेते हैं, गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, विदेश जाने के लिए लोन ले लेते हैं, मकान खरीदते हैं, मॉर्गेज लोन काफ़ी लंबा होता है। आजकल पढ़ाई लिखाई भी आसान नहीं है, बहुत कॉस्टली होती जा रही है, बच्चों के एजुकेशन फ़ी अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट। तो एक नया तरीका माना गया है जिसे बोला जाता है डाइम, DIME, और इसमें ये बताया जाता है कि आपको उतना का तो इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए जिससे कि आपके जो कुछ भी कर्ज हैं, कार का लोन है, पर्सनल लोन है, ये सध जाएं। डी फॉर डेट, आई फॉर इनकम, इसका ये मतलब होता है कि आपके नहीं रहने के बाद इतना पैसा तो बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस के MIS में आपके परिवार जमा कर ही दे जिससे कि उसके रोजमर्रा महीने के जो खर्च हैं, घर खर्च, वो चलते रहें। आई फॉर इनकम। एम स्टैंड्स फॉर मॉर्टगेज, क्योंकि मकान का जो लोन होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी लंबे समय का होता है, तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके नहीं रहने पर उसका बोझ आपके परिवार पर नहीं पड़े? तो फिर जितना आपने लोन लिया है वो भी अमाउंट कवर होना चाहिए। और लास्ट ई फॉर एजुकेशन, बच्चों का जो फ्यूचर पे जो एजुकेशन होने का जो उसकी भी इंतज़ाम करना आपकी जिम्मेवारी है। यानी डाइम फॉर्मूला का सिंपल मतलब ये है कि आपका इंश्योरेंस उतना का होना चाहिए जो आपके खुदरा लोन को चुकता कर दे, आपके मकान के लोन को चुकता कर दे, आपके बच्चों के एजुकेशन में जो होने वाला खर्चे का अनुमान है उसकी भी व्यवस्था कर दे, और साथ ही साथ आपके परिवार जो पीछे छूट जाता है उसके महीने रोज़मर्रा के खर्चे का भी इंतजाम कर दे। यहाँ भी वो रकम काफ़ी बड़ी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति के अपने आमदनी कितने हैं, उन्होंने कितना खर्चा फैला रखा है, कितना लोन ले रखा है, तो व्यक्ति से व्यक्ति एक अलग अलग क्वांटिटी कैलकुलेशन आएगा। लेकिन
ये एक बेसिक पॉइंट होता है स्टार्टिंग करने का। और फिर बात वही आती है, अगर ये करोड़ों का मामला हो जाए तो क्या हम इंश्योरेंस ले सकते हैं? शायद नहीं भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द इनकम। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से आप सोचें और फिर आपके इनकम के बेसिस पे जितना भी आप ले सकते हैं आप उसका आधा ही ले, शुरुआत तो करें। देखिए, इंश्योरेंस अगर करोड़ का लेना है तो सबसे अच्छी बात है कि कम से कम जितनी भी आपकी क्षमता है आप एक बड़ा सा टर्म इंश्योरेंस प्लान ले लें। टर्म इंश्योरेंस प्लान बहुत ही सस्ता होता है और बहुत सस्ते में बहुत बड़ा इंश्योरेंस मिल जाता है। और फिर बचे हुए पैसे का निवेश आप इंडोमेंट प्लान में या यूलिप प्लान में, जिसमें कि रिस्क के साथ साथ सेविंग एलिमेंट भी इंक्लूड होता है, उसमें लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब से इंडिया में सेक्टर ओपन अप हुआ है, काफ़ी कंपटीशन बढ़ा है मार्केट में। और आज एक 30 साल के व्यक्ति के लिए 1 करोड़ का इंश्योरेंस, अगर 20 साल के टर्म के लिए जाए तो 10,000-11,000 के आसपास आपका प्रीमियम आता है, कुछ भी तो नहीं है। अगर 10,000 रुपया सालाना दे करके अगर आप 1 करोड़ का व्यवस्था अपने परिवार के लिए कर पाते हैं तो ये करने लायक है। करने लायक ही नहीं है बल्कि बिल्कुल करने जैसा है और करना भी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस फॉर्मूले पे, डाइम DIME पे आप खुद अपना इंश्योरेंस कवर का अनुमान लगाएं और फिर अपने निकट अभिकर्ता, आपके मित्र अभिकर्ता को बुला करके अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को, इंश्योरेंस का जो आपने लिया है और कितना लेना चाहिए, इस पर आप जरूर डिस्कस करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।